Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. So, students, today we are providing the interview preparation capsule, proper capsule that we are providing today. Hold on, yeah. Proper interview preparation capsule we are providing. This is hardly 51 pages of content that you should study for Central Bank of India Scale 3 and Scale 4 interviews. Take okay. care. सो वॉट आर द कॉन्टेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले कुछ सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको यह मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है तो वॉट आर दॉपिक वॉट आई टू एक्सप्लेन टूडे सो मूविंग फॉरवर्ड सो आरबीआई गाइडलाइन स्टूडेंट आई हाईली रिकमेंड की आप सारे स्टूडेंट जो है यू शुड स्टडी लास्ट वन ईयर एक साल का आप आरबीआई गाइडलाइन पढ़े वन ईयर ऑफ गाइडलाइन यू शुड स्टडी दिस पर्टिकुलर डायस्ट देर आर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के सारे हैं बट आई वुड हाईली लिकमेंड यू पिछले एक डेढ़ साल का पढ़ें अदरवाइज ये डायजेस्ट uh, काफी बड़ा हो जाता है बट आप पिछले चार uh, एक साल का गाइडलाइन पढें ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का गाइडलाइन आप पढ़ें वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड देन फॉलोड बाय द प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग नो मैटर वट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड द मोनिटरी पॉलिसी दे आर रियली रियली टॉपिक्स पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम्स में सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना जीवन ज्योति बीमा योजना एन किसान क्रेडिट कार्ड मुद्रा स्कीम दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट तो ये आपको करना ही करना है नो मैटर वॉट मॉनिटरी पॉलिसी आपको करनी है रियली रियली इम्पॉर्टेंट उसके बाद आपको करना है रेशियोज आर अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन इट कम्स टू द इंटरव्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेशियोज के बारे में पूछ लिया जाता है रेशियोज़ uh, काफ़ी लंबा टॉपिक है सिक्सटीन रेशियोज़ आर देयर प्लीज़ रिमेंबर द रेशियोज़ डिटेल में आप पढ़ के जाएँ बैलेंस शीट का बेसिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए लोन्स टाइप्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स लेटर ऑफ क्रेडिट सरफाइसी एंड आईबीसी ये पढ़ना ज़रूरी है आईबीसी डिटेल में पढ़े आईआरएसी नॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड ये सारे का सारा जो कल, कवरेज है मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे करा है आर बी आई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी से स्टार्ट करके बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने प्रोवाइड करा है आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं जो लेटेस्ट कोई भी बैंकिंग की न्यूज आई है लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो वैन एन इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर गोइंग टू द इंटरव्यू पैनल इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस इफ़ यू वर इन हाउसिंग लोन तो आपसे हाउसिंग लोन के बारे में पूछा जाएगा इफ़ यू वर इन गोल्ड लोन तो आपसे गोल्ड लोन के बारे में पूछा जाएगा इफ़ यू वर इन टू इफ़ यू वर इन टू यू नो किसान क्रेडिट कार्ड तो आपसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा इफ यू वर इन टू यू नो मुद्रा लोन्स तो उसके बारे में पूछा जाएगा वट वट एवर यू वर डूइंग एट द टाइम ऑफ योर यू नो पोस्टिंग इन द बैंक आप बैंक में जब थे जब जो भी कर रहे थे आप बैंक में आपसे उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे नो मैटर वॉट इफ़ यू आर इन टू लिमिट्स आप लिमिट देते हो बैंक में उसके रिलेटेड जो सर्कुलर है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड ओपन करते हो कासा में हो तो क्रेडिट कार्ड अगर आप करंट अकाउंट का जो आपका सर्कुलर है क्रेडिट कार्ड के सर्कुलर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे इफ यू इफ़ यू आर इनटू जनरल बैंकिंग आप रिलेशनशिप मैनेजर थे तो तो फिर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फिर तो क्रेडिट कार्ड आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आप बेचते हो गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी आप बेचते हो गए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो वो सारे के सारे में आपको आर की गाइडलाइंस पढ़नी है न्यूज़ uh, अगर आपको उतनी नहीं भी पता देन इट्स नॉट अ बिग डील इट्स नॉट इट्स नॉट रियली अ बिग डील आपको अपने काम के बारे में गाइडलाइन का पता होना ज़रूरी है आपकी बैंक की पॉलिसी देखो आर की जो गाइडलाइन होती है उसके अंदर रहते हुए बैंक अपनी पॉलिसी बना बनाता है मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी पॉलिसी तो पता ही होगी एंड यहाँ पे आपको आर की गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी रखनी है यू नीड टू नो अबाउट द आर बी आई पॉलिसी एज वेल एज योर बैंक्स पॉलिसी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट यू आर डीलिंग इन इफ़ यू आर डीलिंग इन वॉट एवर द प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग इन कुछ भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो इफ़ यू आर इन कार लोन्स आप ऑटोमोटिव लोन प्रोवाइड करते हो सो so, आप एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हो एज़ पर आर गाइडलाइंस क्या है एंड वॉट एवर योर बैंक पॉलिसीज़ आर तो ये दोनों चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई नॉर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनिटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूछ लिया जाता है कि सी आर आर जब बढ़ता है जब बढ़ाया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इंटरेस्ट रेट पे उसका इफेक्ट क्या होता है जीडीपी पे ग्रोथ ऑफ़ द इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब सी आर आर बढ़ता है जब एस एल आर बढ़ता है जब सी आर आर घटता है एस एल आर घटता है आर बी आई क्या करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आर बी आई क्या कर सकता है हम कितना आर बी आई जब नोट्स प्रिंट करता है क्या सोच के करता है कितना कर सकता है तो ये सारा आपको पता होना चाहिए एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको होगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हमारा एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है वी हैव द इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स आप एक प्रॉपर हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है एंड वन मॉक इंटरव्यू इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट कॉर्स इन विच वी कैन हैव अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पच्चीस तीस मिनट की बीस मिनट की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं इवन जूम कॉल कर सकते हैं लेकिन टेलीफोनिक uh, एक कंफर्टेबल वे रहता है वी कैन हैव अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन फॉर द मॉक इंटरव्यू इन विच आई कैन हेल्प यू हाउ यू कैन आंसर योर क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन के आंसर कैसे कर सकते हो कैसे आपने पर्सनल क्वेश्चन का आंसर करना है हाउ डू यू हाउ हाउ यूर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर वर्क एक्सपीरियंस और आपको कितना अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है कितना आपको नहीं बताना है एवरी थिंग वी आर गोइंग टू टेल यू सो डोंट वरी लिंक टू डाउनलोड दिस कैप्स्यूल आई मीन यू कैन रीड द कैप्स्यूल इन द कॉर्स ओनली लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन द कॉस टू रीड द कैप्स्यूल एंड दैट्स ऑल फॉर यू डे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय